दोस्तों स्वागत है आप लोगों का जीके स्टडी अड्डा में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन लेके आई हूँ, साथ ही उनका आंसर भी बताऊंगी। लेकिन आंसर बताने से पहले यदि आपको सही आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका पहला सवाल, सवाल नंबर फर्स्ट है, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दोस्तों जवाब देने के लिए 10 सेकंड का टाइम है, अगर ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सवाल नंबर दो है, इंडिया फॉर इंडिया को किस व्यक्ति ने लिखा है। दोस्तों आप किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सही उत्तर हो जाएगा चितरंजन दास ने। सवाल नंबर तीन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पता है आपको कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सही उत्तर हो जाएगा 9 अक्टूबर को। सवाल नंबर चार है, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कहाँ स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में है। सवाल नंबर पाँच है, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर छः है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को किस रूप में जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा विजय घाट से। सवाल नंबर सात है, किस देश के लोग आईफोन नहीं खरीद सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा धीरी देश के लोग। सवाल नंबर आठ है, सैंडविच द्वीप का नया नाम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा सैंडविच द्वीप का नया नाम हवाई द्वीप है। सवाल नंबर नौ है, दुनिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। दोस्तों पता है आपको दुनिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सही उत्तर हो जाएगा गहमर। सवाल नंबर दस है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है। सही उत्तर हो जाएगा चाचरी। सवाल नंबर 11 है, भारत में तंबाकू सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा लाई गई थी। सही उत्तर हो जाएगा 1508 में, जो पुर्तगालियों ने लाई थी। सवाल नंबर 12 है, किस देश के लोग पबजी नहीं खेलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा चीन के लोग।
सवाल नंबर 13 है, डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन को। सवाल नंबर 14 है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आदमी रोज और औरत साल में एक बार करती है? अगर दोस्तों पता है आपको इसका जवाब तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सही उत्तर हो जाएगा जनेऊ। सवाल नंबर 15 है, इंडिया ब्रांड क्यूटी फंड की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1996। सवाल नंबर 16 है, एशियाई खेल का नामकरण करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 17 है, डेनमार्क देश के संसद का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा फोलकेंटिंग। सवाल नंबर 18 है, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा केरल को। सवाल नंबर 19 है, गांधी सदन कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा गांधी सदन नई दिल्ली में स्थित है। सवाल नंबर 20 है, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सीके नायडू। सवाल नंबर 21 है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा भोपाल में। सवाल नंबर 22 है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा पिलनी में। सवाल नंबर 23 है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा पुरी में मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। सवाल नंबर 24 है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? सही उत्तर हो जाएगा केरल में। सवाल नंबर 25 है, स्पेन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सही उत्तर हो जाएगा पैसेता।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।